नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नवरात्र पर सजे माता के दरबार, आज शाम से पांडालों में खनके के डांडिया। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने चोदरास आरोपी कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मांडल चिकित्सालय में गिरा पंखा, दो लोग हुए घायल। ध्वज लेकर जा रहे पदयात्रियों के ध्वज में लगा करंट, एक की मौत, चार घायल। गुरुवार से शारदीय नवरात्र के पहले दिन सुबह से समस्त शक्ति पीठों पर भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। चलते मंदिरों और घरों में घट स्थापना कर माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। भिलवाड़ा शहर में नवरात्र को लेकर सुबह से ही खेड़ाकूट माताजी, संजय कॉलोनी, रोडवेज बस स्टैंड माताजी का मंदिर, गायत्री शक्ति पीठ, संतोषी माता मंदिर, चामुंडा माता, बाबा धाम, पुरी के निकट घाटा रानी और रोडवेज स्थित माताजी के मंदिर में श्रद्धालुओं की रेलम पेल लगी हुई है। जबकि गंगापुर के निकट भरक माता, बाड़िया का माताजी, आसीन में बंकिया रानी, कोदूकोटा में कालिका माता, फूलिया में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें से सभी स्थानों पर मेले भरेंगे और 9 दिन तक अखंड पाठ, हवन, कीर्तन के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। संपथ माली की रिपोर्ट। हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है। माता श्री के नित्य पूजा, हवन, दुर्गा सप्तशती के पाठ, आने जाने वाले भक्तों चढ़ाया हुआ प्रसाद, मालाएं वगैरह सभी चढ़ाया जा रहा है। लाइटिंग व्यवस्था, रसोईया वगैरह सभी का प्रोग्राम विधिवत चल रहा है। जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष नमित मेहता ने गुरुवार को UIT द्वारा शहर में करवाए जा रहे सड़कों के मरम्मत और पेचवर्क कार्यों के साथ चोदड़ास, आरोबी और नेहरू विहार में मुख्यमंत्री जनावास योजना के फ्लैट सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के समय पर काम करने को कहा, क्वालिटी पूर्ण काम करने पर जोर दिया। उन्होंने चोदड़ास चौराहे से 200 फीट रिंग रोड तक निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद ठेकेदार को तय समय पर आरओबी का कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने UIT सचिव को अप्रोच रोड के डामरीकरण के भी निर्देश दिए। मेहता ने अधिकारियों को कार्य की स्पीड और बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि यह ब्रिज जल्द बनकर जनता को समर्पित किया जा सके। जिला कलेक्टर ने केशव हॉस्पिटल के नजदीक बने ओवरब्रिज के लोड टेस्ट का भी जायजा लिया। उन्होंने नेहरू विहार में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने फ्लैट में जाकर खिड़की, दरवाजों, फर्श पर लगी टाइल आदि क्वालिटी को भी देखा। ठेकेदार को पानी, बिजली, सिवरेज आदि सुविधाएं सुचारू कर फ्लैट के हैंडओवर के संबंध में निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने दिवाली से पहले सभी क्षतिग्रस्त सड़कों के काम पूरे करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निरंतर निरीक्षण करें और काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हमें समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले काम पर ध्यान देना होगा। आज देखिए, जो UIT द्वारा विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे, चाहे वो रोडों के कार्य हो, चाहे जनावास के कार्य हो, उनको सेक्रेटरी साहब और पूरी टीम के साथ उसका निरीक्षण किया गया और कार्य गुणवत्ता उसकी अच्छी रहे, टाइमली काम कम्प्लीट हो। साथ ही कुछ कार्य ऐसे उनको भी और देने की आवश्यकता है, उसके संबंध में हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको इस बात को बता गया है कि फटाफट उन कार्यों को भी पिकअप करें ताकि हम दिवाली तक ऑलमोस्ट हमारी सभी रोड्स का प्रॉपर जो रिपेयर होनी है, नई रोड्स बननी है, वो हो जाए कामकाज। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जो कामकाज लिए जाने हैं, जिसमें झाड़ी सफाई है, पेंट वर्क्स है, उन सबको भी प्रॉपरली किया जा सके, उन सबको लेकर एक दौरा किया जाता है। जो हमारा HLB जोड़ीदास है, वो भी काफ़ी टाइम से बंद हुआ था, जिसके काम ने स्पीड पकड़ा है, उसका निरीक्षण किया गया। केशव अस्पताल के पास जो एक ओवरब्रिज जिसकी लोड टेस्टिंग होनी है, वो लोड टेस्टिंग का कार्य भी चल रहा है, सारे कार्य चल रहे हैं। अच्छा, शहर में कई सड़कें अभी भी खराब हैं और दोनों सड़कें पर काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि यातायात बाधित हो रहा है भाई, दोनों एक सड़क पर काम। आपने कहा कि शहर में अभी भी सड़कें खराब हैं, तो उसकी आप काइंडली अभी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं।
शहर गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल। अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भीलवाड़ाहलचल.com। आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। मांडल में सरकारी अस्पताल में अचानक चलता हुआ पंखा गिरने से 2 लोगों को चोटें आई। मांडल निवासी मुस्ताक अहमद कुरेशी ने हलचल को बताया कि सुबह मांडल के सरकारी अस्पताल में एक महिला द्वारा पंखा चलाए जाने के 5 मिनट बाद वह छत से नीचे आ गिरा, जिससे वहां मौजूद 2 लोगों के चोटें आई। पंखा गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। नवरात्र के मौके पर निकाली जा रही पदयात्रा के दौरान ध्वज 11 KV लाइन को छू गया। करंट फैलने से ध्वज थामे एक पदयात्री की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य की हालत बिगड़ गई, जिन्हें रायला में प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। यह हादसा जिले के गुलाबपुरा थाने के इरास गांव में गुरुवार दोपहर हुआ। उधर हादसे की खबर से पदयात्रियों के परिजनों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। नवरात्र के मौके पर चेना का खेड़ा से बैरवा समाज के 15-20 जने ध्वज लेकर फेरूजी के दर्शन करने जाने जातल के लिए रवाना हुए। ये पदयात्री नाचते गाते ध्वज लहराते जा रहे थे। दोपहर में ये पदयात्रा गुलाबपुरा थाने के इरास गांव से गुजर रही थी। इरास से गुजरने के दौरान ध्वज 11 KV लाइन को छू गया। ये ध्वज चैना का खेड़ा निवासी ईश्वर 12 वर्षीय पुत्र सोहन बैरवा के हाथ में थमा हुआ था। ध्वज में फैले करंट से ईश्वर बैरवा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा चेना का खेड़ा की हरफुल 18 वर्ष, रामेश्वर बैरवा उमेर 17 वर्ष, पुत्र सुरेश बैरवा, गोविंद 13 वर्षीय पुत्र संपत बैरवा और सुनीता 14 वर्षीय पुत्र रामेश्वर बैरवा की करंट के संपर्क में आने से हालत बिगड़ गई। चारों को रायला से जिला अस्पताल भिजवा दिया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में नवरात्र को लेकर सुबह से शुभ मुहूर्त में पंडालों में माता की मूर्ति की स्थापना की गई। ढोल नगाड़ों के साथ माता की मूर्ति लाई गई और फिर पूजा अर्चना नगर स्थापना की गई। अब 9 दिन तक पंडालों में माता की आराधना और डांडियों की खनक की धूम रहेगी। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। चित्तौड़गढ़ में घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र महोत्सव की शुरुआत हुई। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग स्थित कालिका माता, जातला माता, आसावरा माता, चोगणिया माता, मरवी माता, लालबाई, फूलबाई सहित कई माता के बड़े मंदिर हैं, जहां आसावरा माता, जातला माता मंदिर में बुधवार को ही नवरात्र स्थापना हो गई। वहीं दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में एकलिंगनाथ ट्रस्ट के सानिध्य में घट स्थापना की गई। महाआरती के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता कालिका के दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों में नवरात्र महोत्सव के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। राजेश जोशी की रिपोर्ट। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। नवरात्रि माता जी के मंदिर में नवरात्रि का घट स्थापना हो गया है।
एकलिंग जी ट्रस्ट की तरफ से उनके कामदार पंडित अरविंद भट्ट की उसमें जो है नवरात्रि की स्थापना हो गई। नवरात्रि में प्रथम दिवस बहुत ज़बरदस्त भीड़ है मंदिर में, है करीब सुबह सुबह करीब 10 से 15 हज़ार पब्लिक इस समय मंदिर में मौजूद हैं सड़क से अंदर तक। और मंदिर में यात्रियों की सुविधा के लिए जो है छाया है कर रखा है, पानी का कर रखा है। मंदिर में माता जी के नवरात्रि में सोने के जेवर जो आए हैं काशी से, वो सोने के जेवर भी माता जी के धारण कराया गया है। और मंदिर में अखंड दीपक घी तेल की नवरात्रि के में वो भी शुरू हो गया है और नवरात्रि चल रही है। भक्त लोग चल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ है। माता जी की आरती भी अभी अभी संपन्न हुई है। कम खर्च बड़ा मुनाफा, भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, bhilwarahalchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 17 विद्यार्थियों का हॉकी में राज्य स्तर पर चयन हुआ, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भिलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उप प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि सवाईपुर में आयोजित हुई 68वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा हॉकी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर विद्यालय की 17 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ। 17 वर्ष छात्र में कमलेश जाट, राजेंद्र कुमार माली, अनिल सेन, कान सिंह राठौड़ व सुनील जाट का राज्य स्तर पर चयन हुआ, जो सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय लावा मालपुरा टोक में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 17 वर्ष छात्रा में कृष्णा जाट, पूजा खटीक, मनभर सुथार, हर्षिता साहू व मंजू जाट का चयन हुआ, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवंडी कोटा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। 19 वर्ष छात्र में शिवराज जाट, किशन जाट, अंकित श्रोत्रिय, मनीष सुवालका व मनीष सुथार का राज्य स्तर पर चयन हुआ, जो पीएम श्री राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में भिलवाड़ा की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। 19 वर्ष छात्रा में कोमल जाट व प्रियांशी सेन का राज्य स्तर पर चयन हुआ, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेतारण ब्यावर में आयोजित होने वाली 68वीं राज्य स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता में भिलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता 4 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।